क्वेश्चन नंबर 16, हमें फाइंड करना डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, और हमें फाइंड करना है एफ डैश वन। एफ डैश का मतलब पता है ना, इसका डेरिवेटिव, और वन मतलब यहाँ पे जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे आप वन पुट कर दोगे। करते हैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे करें बताओ। एक तरीका है आप यू इंटू वी रूल लगा लो, लेकिन इससे काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चार चार मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो इसे ना यूज़ करते हुए हम यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी और इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसे कुछ मान लो, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को, बस देखने में अच्छा लगे इसलिए, ठीक है, इसको y मान लिया। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, y लॉग के साथ इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में क्या क्या है हमारे पास, वन प्लस एक्स इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वन प्लस एक्स की पावर फोर इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एट और ब्रैकेट क्लोज। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन, हमारा लॉग एम प्लस लॉग एन के इक्वल होता है। यहाँ पे देखो आप एम इंटू एन, आप बोलोगे भैया यहाँ तो ये दो भी मल्टीप्लाई में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी अंदर मल्टीप्लाई में हो आप सबको लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग जो भी हो सब लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ठीक है। इसे यूज़ करते हुए मैं इसे लिखने वाला हूँ लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर एट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कर दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा, लॉग वाई का क्या मिलेगा, वन अपॉन में वाई, और फिर वाई का करो तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में सबका कर दो सॉल्व, क्या क्या आएगा हमारे पास, वन अपॉन में वन प्लस एक्स आएगा यहाँ पे, फिर प्लस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करो डिफ्रेंशिएट और वन को भी करो तो वन का जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा तो इन टू में टू एक्स, फिर प्लस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर आ गया, और फिर इसे करो डिफ्रेंशिएट जो ब्रैकेट में है, वन का जीरो हो गया और एक्स की पावर फोर का हमें फोर एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है, फोर एक्स क्यूब लिखा है यहाँ पे मैंने, फिर प्लस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट इंटू में एट एक्स की पावर सेवन, ठीक है। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिली है बताओ, वाई मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो वाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे में, और ये पूरा हमारा है क्या, वन अपॉन में पूरा, ये सब लिख दो यहाँ पे, फिर वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स की पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप, हमने y लिखा था ना एफ ऑफ एक्स को, हमने क्या निकाला है, y डैश निकाला है ना, y डैश मतलब यही होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि इक्वल होगा हमारा किसके, एफ डैश एक्स के, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स को ही y लिखा था, ये हमारा y डैश निकला है मतलब एफ डैश एक्स निकला है, सिंपल सी बात है। बस मैंने लिखा था देखने में अच्छा लगे, बस इसका काम हो चुका है, तो वापस लिख दो यहाँ पे। y क्या है हमारा, y ये पूरा है कि नहीं, तो ये पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं, ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमें, चलो लिख देते हैं, वन प्लस एक्स इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वन प्लस एक्स की पावर फोर इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एट और मल्टीप्लाई में ये पूरा, जो ये है हमारे पास, ये पूरा यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ डैश वन की वैल्यू। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन पुट कर दो, एफ जहाँ पे एक्स है
वहाँ पे आप वन पुट कर दो, तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, इसमें जहाँ पर भी एक्स है ना वहाँ पे वन पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स है, वन प्लस वन टू आएगा, फिर यहाँ पे वन प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब फिर टू आ गया, वन प्लस वन की पावर फोर ये भी टू आ गया, वन प्लस वन की पावर एट ये भी टू ही आ गया। फिर इंटू में क्या है, इंटू में ये पूरा है ना, तो ये क्या है हमारा वन अपॉन में वन प्लस टू, फिर प्लस टू अपॉन में नीचे क्या है वन प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब टू, फिर प्लस फोर इंटू में वन की क्यूब फोर ही आएगा, और फोर अपॉन में नीचे क्या है टू आएगा, प्लस यहाँ पे देखो आप एट, जहाँ पे भी एक्स है ना वहाँ पे मैं वन पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एफ डेस वन की वैल्यू निकालनी है। तो एट इंटू में वन, एट अपॉन में क्या है वन प्लस वन की पावर एट मतलब टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व कर लो बस, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टू की पावर फोर इंटू में ये हमारा वन आ चुका है, ये हमारा टू आ गया, ये हमारा फोर आ गया, वन प्लस टू प्लस फोर तो ये सेवन हो गया है ना, तो ये सेवन हो गया, तो वन बाय टू प्लस सेवन, तो एलसीएम ले लो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टू की पावर ये हो गया सिक्सटीन, सिक्सटीन और इंटू में फिफ्टीन अपॉन में टू, ये हमारा फिफ्टीन अपॉन टू है, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, ये कैंसिल हो गया एट आएगा, तो ये एट इंटू फिफ्टीन ये हो गया हमारा 120, ठीक है 120 हमारा आंसर आ गया। हमने बस एफ डेस एक्स की वैल्यू निकाल ली है और उसमें जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे वन पुट कर दिया, क्योंकि हमें एफ डेस वन की वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसे करना है ठीक है, डन।